गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 7A. शर्मिला हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 590 एज करेंसी नोट्स इन द डेनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50, रुपीज 20 एंड रुपीज 10. द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज 3:5. इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज शी हैव. टोटल उसके पास रुपीज़ कितने हैं बच्चों? 590 नोट्स नहीं, अमाउंट, ठीक है. और कौन कौन से नोट्स हैं? शी हैज़ 50 रुपीज़ नोट्स, 20 रुपीज़ नोट्स एंड 10 रुपीज़ नोट्स. 50 रुपीज़ नोट्स एंड 20 रुपीज़ नोट्स इज 3:5. तो पहले तो बच्चों क्या लिखेंगे? टोटल शर्मिला हैज़ इज इक्वल टू रुपीज 590. टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 25, यानी कि 50, 20 और जो 10 के नंबर ऑफ नोट्स हैं वो कितने हैं? 25. तो अब आपको ये देखना है 50 रुपीज नोट्स, तो आप क्या लिखेंगे? पहले रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 3:5. लेट्स 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 3x एंड 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 5x. तो 10 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे बच्चों, कोई बताए? 10 रुपीज़ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? 25. 25 में से यदि इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? 10 रुपीज़ नोट्स. तो वी राइट 25 माइनस 3x प्लस 5x, इट मीन्स 25 माइनस 8x इज नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. नाउ फाइंड अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू. तो बच्चों अमाउंट कैसे निकालते हैं? इफ़ यू हैव 5 नोट्स ऑफ 50, तो यू हैव 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 250 रुपीज. सिमिलरली अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट इज 3x मल्टीप्लाई बाय 50, इट मीन्स रुपीज 150 इज वैल्यू ऑफ 3x नोट्स ऑफ 50 रुपीज. अमाउंट ऑफ 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, इफ यू हैव 720 रुपीज नोट्स, तो यू हैव 20 मल्टीप्लाई बाय 7, इट मीन्स 140. नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट्स इज 5x. नाउ 5x मल्टीप्लाई बाय 20, इट मीन्स 100x, 150x, 100x. अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय कितना नंबर है बच्चों? 25 माइनस 8x. 10 25 ज़ा 250, 10 8 ज़ा 80x. तो ये क्या आ गया आपका? टोटल अमाउंट आ गया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 590. इन दिस क्वेश्चन शर्मिला हैज़ 590 रुपीज़. सो इट मीन्स 590, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आएगा? 590 के. 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू रुपीज़ 590. नाउ सॉल्व इट. 150 प्लस 100x प्लस 80x तो कितना होता है बच्चों, करके बताइए. 100x प्लस 250, ये तो कितना हो गया? 250x
माइनस 80x 250 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड 590 माइनस 250 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 170x 590 माइनस 250 कितना आएगा जीरो 9 माइनस 5 4 5 माइनस 2 3 एक्स इज इक्वल टू 340 अपॉन 170 इज इक्वल टू 2 तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया बच्चों 2 नाउ यू कैन फाइंड द 50 रुपीज नोट्स तो 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 3x इट मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 नाउ 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 5x इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 नाउ 10 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 25 माइनस 8x 25 माइनस 8 इंटू 2 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 तो 10 रुपीज के कितने नोट आ गए बच्चों 9 अगर आप चेक करना चाहते हैं आंसर तो आप इनको ऐड करिए 9 और 6 15 1 और 1 2 तो हाउ मेनी नोट्स 25 और आपके क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है इफ़ शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स तो इसका मतलब 25 को ही डिवाइड किया 50 रुपीज़ के 6 नोट 20 के 10 और 10 के 9 नोट्स क्लियर एवरीवन नाउ क्वेश्चन नंबर 22 द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143 व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर तो बच्चों इसमें पहले क्या है द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 तो लेट्स टेंस प्लेस डिजिट टू बी एक्स एंड वंस प्लेस डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों इट इज़ डिफर बाय 3 इसका मतलब ये x से या तो 3 ज़्यादा है या कम है तो हम क्या लेंगे x प्लस 3 इट इज़ डिफर बाय 3 नाउ नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर बच्चों नंबर कैसे बनाते हैं आपको मालूम है कि टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x 1 इंटू एक्स एक्स 1 प्लस 3 3 ओरिजिनल नंबर क्या हुआ 10x प्लस एक्स इज इक्वल टू 11x प्लस 3 नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड यदि हम वंस प्लेस पर टेंस प्लेस के डिजिट ले लेते हैं और टेंस प्लेस पर वंस प्लेस डिजिट ले लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटर या इफ इंटरचेंज्ड द डिजिट देन वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों ये पहले वंस प्लेस पर थी ये अब किस पर हो जाएगी टेंस प्लेस पर तो वंस प्लेस कौन सा हो जाएगा इसमें एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 नाउ न्यू नंबर और बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर इज इक्वल टू तो टेंस प्लेस को किसने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 10 टेंस आर सॉरी इट इज एक्स नॉट 10 10 इंटू एक्स 10x 10 थ्रीज आर 30 प्लस एक्स इंटू 1x 10x प्लस 1x 11x प्लस 30 इट इज द न्यू नंबर नाउ इफ वी एट द रिजल्टिंग नंबर एंड ओरिजिनल नंबर वी गेट 143 इसका मतलब ये नंबर और ये दोनों नंबर को इफ़ वी एड दैम वी गेट 143
11x + 3 according to question, +11x + 30 is equal to 143. 11x and 11x, 22x, 3 + 30, 33 is equal to 143. 22x is equal to 143 minus 33. 22x is equal to 110, x is equal to 110 upon 22. तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5. Now find the number. It means ones place digit कितना था बच्चों हमारे पास, x. हमने x लिया था यहाँ पर, तो ये कितना ones place digit तो हाउ वी कैन फाइंड द नंबर, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 11x + 3. तो बच्चों 11 पुट द वैल्यू ऑफ x, 5 + 3 तो कितना हो गया बच्चों, ये 55 + 3 इज इक्वल टू 58 इज ओरिजिनल नंबर. क्लियर एवरीवन? It is answer.